कांग्रेस का दूसरा नाम भ्रष्टाचार है, और जो कांग्रेस में रहेगा तो कांग्रेस की संस्कृति से ओत प्रोत रहेगा। देखिए, जब वो जैसा करता है उसको फल वैसा मिलता है, कानून से ऊपर कोई नहीं। कानूनी प्रक्रिया के बाहर अगर कोई काम करेगा व्यक्तिगत लाभ के लिए, परिवार के लाभ के लिए, तो वो कानून के परिधि में आएगा। और आदमी मरता है, कागज नहीं मरता है। इसलिए भ्रष्टाचारी, और भ्रष्टाचार कोई भी करे तो उसको यहीं पर सजा मिलती है। आप जानते हैं कि मधु कोड़ा की सरकार में कई मंत्री जेल गए, कई लोग आज परेशान हैं। तो जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। आप खान मंत्री हैं और स्वयं पट्टा ले लीजिएगा तो ये कानून के परिधि में आएगा। आप जिस विभाग के मंत्री हैं, प्रोत्साहन राशि आप और अपने मंत्री को, संघ के लोगों को और सेक्रेटरी को आप बंटवाइएगा तो परिधि में आइएगा। आप फूड एंड सिविल सप्लाई के मिनिस्टर हैं और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लुटवाइएगा तो कानून के परिधि में आइएगा। आप कृषि मंत्री हैं और गरीबों के हक, किसानों के हक और उसके निवाले को अपना हक समझिएगा तो आप कानून के परिधि में आइएगा। तब जब आइएगा तब परेशानी होगी, और जब परेशानी होइएगा उसमें पड़िएगा तो भाजपा को मत दोष दीजिए, अपने पापों पर आप प्रायश्चित कीजिए। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, केंद्र सरकार की योजना अमृत योजना, शुद्ध जल पहुंचाने के लिए नल से जल की योजना थी, उस योजना को भट्टा बैठाने का काम राज्य की सरकार ने किया। सारे पैसे आज पड़े रह गए, लेकिन एक सबसे पिछड़ा राज्य घोषित हुआ अमृत योजना के मामले में। आप इतना ही नहीं, आप आयुष्मान योजना की बात कर रहे, पूरी तरह से लूट की छूट में यहाँ मची हुई थी आयुष्मान योजना। और जिन गरीबों को आज मिलना चाहिए था आयुष्मान योजना के तहत फायदे लाभ, आज उस पर अवरोध पैदा कर रही है राज्य की सरकार। और जान करके आप आश्चर्य होगा कि आयुष्मान योजना केंद्र की योजना है, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन इस राज्य में मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना बना दिया गया। और जिस दिन मुख्यमंत्री शब्द लगा उस दिन से ही आयुष्मान योजना भी पूरी तरह से विफल साबित हो गया। कांग्रेस का दूसरा नाम भ्रष्टाचार है, और जो कांग्रेस में रहेगा तो कांग्रेस की संस्कृति से ओत प्रोत रहेगा, और भ्रष्टाचार में मामले में तो वो अव्वल रहेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।